कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर एक मशीन होती है, उसमें आईपीओ साइकिल से काम होता है। ओके, वो वर्क किस बेसिस पे करता है? आईपीओ यानी इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट, उस पर डेटा इनपुट किया जाता है, वो उस पर प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर, और उसके बाद वो हमें आउटपुट देता है। क्लियर, यही सब पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर व्हाट डज, कंप्यूटर करता क्या क्या है। आप अच्छे से जानते हो क्योंकि आपने फर्स्ट क्लास में किया है, ड्रॉ और कलर आपने किया है, पेंट आपने सॉफ्टवेयर यूज़ में लिया है। देन यू, इफ़ यू वांट टू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स ऑन द कंप्यूटर, यू कैन डू सो, आप कर सकते हैं। इफ़ योर फादर वांट्स टू डू सम ऑफिस वर्क, ही कैन डू इट। अगर आपके पापा भी ऑफिस वर्क करना चाहें तो वो भी इस पर कर सकते हैं। सिटिंग एट होम, घर पर रहकर जस्ट अपने कंप्यूटर को ऑफिस के कंप्यूटर से कनेक्ट करके वो अपना ऑफिस वर्क घर बैठे कर सकते हैं। क्लियर, सो डज दैट मीन देयर इज सम काइंड ऑफ मैजिक इन्वॉल्व कंप्यूटर फॉर डूइंग सच जॉब्स। तो क्या इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर इस जॉब्स, इन जॉब्स को करने के लिए कुछ मैजिक यूज़ में लेता है? नो, नॉट एट ऑल, नहीं। ऑल दीज आर द एबिलिटीज दैट आर बिल्ट इनटू द कंप्यूटर एट द टाइम ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग। जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चर किया जाता है, कंप्यूटर को बनाया जाता है, उसी वक्त ये सारी एबिलिटीज़ उसके अंदर डाली जाती है। कंप्यूटर्स हैव मैनी एडवांटेज ओवर मैनुअल वर्क। कंप्यूटर्स मैनुअल वर्क से कहीं ज़्यादा लाभदायक है, यानी कि कंप्यूटर से हमें बहुत सारे एडवांटेज हैं, जो कि हम अगर मैनुअली कोई वर्क करें तो हम उससे कहीं ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है कि हम वो काम कंप्यूटर से करें। दीज कैन बी अंडरस्टूड बाय इन द फॉलोइंग मैनर। अब हम उनमें डिफरेंस करते हैं, एक कंप्यूटर में और एक मैन में। क्लियर, अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। कंप्यूटर बहुत फास्ट वर्क करता है। अ मैन कांट वर्क एज फास्ट एज अ कंप्यूटर, लेकिन एक मैन इतना जल्दी काम नहीं कर सकता जितना कि कंप्यूटर करता है। कैलकुलेशन हो या एडिटिंग हो या कुछ भी ऐसा वर्क हो जो जो हम मैनुअली करें, वही काम कंप्यूटर बहुत जल्दी करता है। अ कंप्यूटर व्हेनेवर मेक्स मिस्टेक, कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक नहीं करता। अ मैन समटाइम्स मेक मिस्टेक्स, लेकिन मैन मिस्टेक करता है। अ कंप्यूटर वर्क्स कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली लगातार काम कर सकता है कंप्यूटर, कितने ही घंटे सुबह से शाम तक कर सकता है। इट डजंट गेट टायर्ड, ये थकता नहीं है, लेकिन मैन इतना देर तक काम नहीं कर सकता। कुछ घंटों के बाद, कुछ आवर्स के बाद उसे रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अ कंप्यूटर नेवर फॉरगेट एनीथिंग, कंप्यूटर कोई भी चीज़ भूलता नहीं है। अ मैन फॉरगेट्स समटाइम, लेकिन कई बार आदमी भूल जाता है कि उसे क्या करना था या उसने क्या किया था, वो भूल जाता है। अ कंप्यूटर नेवर गेट्स बोर्ड बाय रिपीटिव टास्क, कंप्यूटर रिपीटिव टास्क से, बार बार एक ही काम करने से वो कभी बोर नहीं होता, लेकिन व्यक्ति एक ही काम करने से बोर हो जाता है। बट डज दैट मीन दैट अ कंप्यूटर इज़ बेटर देन अ मैन, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर मैन से बेटर है? नहीं, कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ कंप्यूटर हम ह्यूमन कैपेबिलिटीज से कंपेयर नहीं कर सकता। और एक बात याद रखी जाए तो कंप्यूटर को बनाया भी ह्यूमन नहीं है, तो ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ कई बार इतनी ज़्यादा होती है कि कंप्यूटर उनका मुकाबला नहीं कर सकता। जैसे कि ह्यूमन बींग सोच सकता है, थिंक कर सकता है। अब कंप्यूटर पे अगर हमें कोई डिज़ाइनिंग करनी है तो वो डिज़ाइनिंग कंप्यूटर थोड़ी सोचेगा कि किस तरह से करनी है, कौन सा कलर करना है, कौन सा क्या करना है, वो सब तो थिंकिंग क्या होगी? मैन की ही होगी। तो क्रिएटिविटी किसकी हुई? ह्यूमन बींग की होगी। इसलिए कंप्यूटर वहाँ ह्यूमन बींग से कम पड़ जाता है। इट हैज़ नो सेल्फ इंटेलिजेंस फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में भी उसका कोई सेल्फ इंटेलिजेंस नहीं होता। नाउ एक्टिविटी टाइम, ये एक्टिविटी टाइम है जो इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट मैंने आपको बताया था वही सब है। आप इसे करके देखना कि इसमें मशीन कौन सी है, इनपुट क्या है, फिर प्रोसेसिंग क्या हुई, उसके बाद आउटपुट में हमें क्या मिला। क्लियर, नाउ आ गई आपकी एक्सरसाइज। What is the correct sequence? इसमें correct sequence कौन सी है? मैंने आपको बताया था IPO, short form, input, process और output, यानी इसका है C answer। कौन सा है? C answer। Then next है, we keep this computer on a desk। हम desk पर कौन सा computer रखते हैं? First वाला क्या है? Laptop। B कौन सा है? टैबलेट। और थर्ड कौन सा है? हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर, यानी सी इसका आंसर है।
सी इज द राइट आंसर. अ कंप्यूटर कैन नॉट, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता? ड्रॉ एंड कलर कर सकता है, कंप्यूटर कर सकता है ड्रॉ एंड कलर. वर्क कंटिन्यूसली, वर्क भी करता है लगातार. और थिंक, जी नहीं, कंप्यूटर कांट थिंक, कंप्यूटर सोच नहीं सकता. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स. अब फिल इन द ब्लैंक्स पे आइए. कुछ ऑप्शंस नहीं ऊपर दिए गए हैं, कंप्यूटर, ह्यूमन बीइंग, इलेक्ट्रॉनिक, नोटबुक, मोबाइल. ओके, देन अ कंप्यूटर इज एन डिवाइस. कंप्यूटर कैसा डिवाइस है? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. अ लैपटॉप इज ऑल्सो नॉन एज कंप्यूटर. लैपटॉप को और कौन सा कंप्यूटर कह सकते हैं हम? कंप्यूटर को, लैपटॉप को हम नोटबुक कंप्यूटर भी कह सकते हैं. अ टैबलेट पीसी इज अ स्लेट शेप्ड कंप्यूटर. स्लेट शेप्ड का टैबलेट पीसी कौन सा कंप्यूटर होता है? स्लेट शेप्ड का जो टैबलेट पीसी होता है वो कौन सा कंप्यूटर होता है? वो मोबाइल कंप्यूटर होता है. हैव मैनी एडवांटेज ओवर मैनुअल वर्क. कंप्यूटर हैव मैनी एडवांटेज ओवर मैनुअल वर्क, यानी मैनुअल वर्क के से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा एडवांटेज किसका है? कंप्यूटर का. तो फोर्थ का आंसर है कंप्यूटर. अ कम कैन थिंक ऑफ इट्स ओन, कौन अपने आप सोच सकता है? थिंकिंग एबिलिटी कौन रखता है? ह्यूमन बींग, सेकेंड वाला ह्यूमन बींग. फिफ्थ का है अ ह्यूमन बींग कैन थिंक ऑफ इट्स ओन. अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग द एंड राइट द करेक्ट वर्ड. ये आप खुद लिखिएगा. ये पहला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ दिए हुए हैं. इनकी स्पेलिंग्स कुछ स्क्रैबल कर दी गई है, आपको उनको वापस से ठीक करना है और सही स्पेलिंग्स इस पर लिखनी है. ये अपने आप करके मुझे सेंड करना. वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड कम्प्यूट. कम्प्यूट का मतलब क्या है? कम्प्यूट मीनिंग क्या है? कम्प्यूट का मतलब है टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करना. नेम एनी टू टाइप ऑफ कंप्यूटर. कोई से भी दो टाइप कंप्यूटर टाइप्स लिखने हैं आपको. लैपटॉप हो गया, टैबलेट पीसी हो गया, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक डायरी, कोई से भी दो लिखने हैं इसमें आपको. राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ मैन. दो डिफरेंसेस लिखने हैं आपको कंप्यूटर और मैन के अंदर. कंप्यूटर कांट थिंक, अ मैन, ह्यूमन बींग कैन थिंक. इट्स ऑन, इट्स ऑन, ठीक है. कंप्यूटर नेवर गेट बोर्ड बाय फॉर रिपीटिव टास्क, बट मैन गेट बोर्ड. टू होम डू दीज फीचर्स बिलोंग, कंप्यूटर और अ मैन. राइट, सी फॉर कंप्यूटर एंड एम फॉर मैन. अब इसमें से कौन सा कंप्यूटर के लिए है और कौन सा मैन के लिए? वर्क वेरी फास्ट, कौन करता है वर्क वेरी फास्ट? कंप्यूटर. वर्क कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली वर्क कौन कर सकता है? कंप्यूटर. कैन नेवर थिंक्स ऑफ इट्स ऑन, अपने से सोचने की शक्ति किसके पास नहीं होती? कंप्यूटर के पास नहीं होती. सी नेवर मेक्स मिस्टेक्स, मिस्टेक कौन नहीं करता? सी कंप्यूटर. गेट बोर्ड बाय रिपीटिव टास्क, रिपीटिव टास्क से बोर कौन हो जाता है? मैन. सिर्फ लास्ट जो डी वाला है उसमें मैन आएगा, बाकी सभी में सी कंप्यूटर आएगा. लुक एट द पिक्चर बिलो द नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स. अब डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स इसमें हैं, इनके आपको नेम लिखने हैं. कौन से कंप्यूटर है ये? ये एक्टिविटी आप अपने आप करिएगा, बुक में ही करना है सब. अभी कॉपी में जो मैं भेजूँगी वही आपको करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है. क्लियर? ओके देन.